आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे दोस्तों आज सत्येंद्र जैन की। देखिए, सत्येंद्र जैन दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं। मैं आपको यहां पे आज ब्लैक मनी के बारे में बताऊंगा, हवाला के बारे में बताऊंगा, कैसे ये होता है, कैसे ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है, क्या क्या स्टेजेस होती है। कई बार हमने बात की, लेकिन चलिए आज मैं आज इसको क्लियर ही करूंगा। शेल कंपनीज क्या होती है? तो भाई, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सत्येंद्र जैन को अरेस्ट कर लिया है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। आम आदमी पार्टी ने बोला कि यह तो बदले की राजनीति है, और मनीष सिसोदिया ने यह बोला है कि भाई हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन आ रहे हैं, अभी इसी साल के एंड में है, तो ये होने ही था। विश्वास कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है, बाकी सब हो ही रही, राजनीति तो अपनी जगह है। यहाँ पे यही है कि आम आदमी पार्टी कह रही कि बीजेपी ने अभी इलेक्शन आ रहे हैं, और वही है कि वो तो होने ही था, हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन है और बीजेपी हर जगह हार रही है, और हेल्थ मिनिस्टर के साथ साथ सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के प्रभारी भी हैं, तो इसीलिए कर दिया अंदर, बहुत जल्द छूट जाएंगे क्योंकि कोई सबूत नहीं है। वो तो ठीक है, अब बीजेपी ने बोला कि भाई जो सही है वो सही है ना भाई, 2017 का केस है, आज का केस है नहीं, हमने तो 5 साल पहले फाइल किया था, 5 साल पहले मतलब, और इसमें हम क्या करें, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इंडिपेंडेंट एजेंसी है वगैरह वगैरह, पॉलिटिक्स तो ही है। फिलहाल आप ये समझिए कि कल 30 मई को हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को अरेस्ट कर लिया गया है। हवाला ट्रांजैक्शन, देखिए हवाला ट्रांजैक्शन पहले समझिए क्या होता है, मैं आज आपको सब बता दूंगा। हवाला ट्रांजैक्शन की बात करें तो एक होता है लीगल मनी, एक होता है इलीगल मनी। इलीगल मनी मतलब क्या, कि जो टैक्स से आप पैसा बचाते हैं, अगर आप जैसे कोई बिजनेस खोलते हैं, जैसे मेरी कंपनी है, अगर मैं मान लीजिए कि 1 लाख रुपए कमा रहा हूं तो मुझे 50 लाख रुपए टैक्स में देना है। कैसे? 30% लगता है कॉरपोरेट टैक्स और 18% लगता है जीएसटी, सब जगह यही है। तो आपको आधा पैसा जो है वो सरकार को देना है। अब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, भाई टैक्स प्लानिंग करो, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये टैक्स का पैसा जो है वो बचा लेते हैं, टैक्स का पैसा बचा के घर में रख लिया या कहीं और रख लिया, तो वो हो गया। जो जिस पैसे पे आपने टैक्स नहीं दिया है, समझ लो, वो आपका है ब्लैक मनी, खत्म। अब ब्लैक मनी को वाइट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। भाई खर्च कर दो उसे, कौन देख रहा है, खर्च करते रहो, सोना ले लिया, आईफोन ले लिया, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये डेंजरस है, क्योंकि जिस दिन सरकार का डंडा चलता है अकल ठिकाने आ जाती है। अब हवाला भी इसी तरीके का सिस्टम है। हवाला का मतलब रहता है कि इलीगली बाहर से पैसे को जहां पे आप हो वहां मंगाना। जैसे मान लो कि आप यूके में हो, अब यूके में कोई एक इंसान है, उसका वहां इलीगल तरीके से रह रहा है और इलीगल पैसा है उसका। अब लीगली तो वो भारत में ट्रांसफर कर नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, वो हवाला सिस्टम के थ्रू उसको ट्रांसफर करेगा इंडिया में, ठीक है। अब इनका जो होता है वो नेटवर्क ऑफ एजेंट्स होता है। हवाला में आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा जो सिस्टम चला रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यूके में ही से सलमान खान है, ठीक है, एक एग्जांपल है, सलमान खान है यूके में, सलमान खान है। अब सलमान खान ने बोला कि मुझे अपना जो पैसा है वो भारत में ट्रांसफर करना है, तो सलमान खान कॉन्टैक्ट करेंगे हवाला सिस्टम। अब हवाला सिस्टम, इनके बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। अब एक एजेंट का नाम मान लीजिए ऋतिक रोशन है, ठीक है, तो सलमान खान ऋतिक रोशन से बोलेंगे भाई मेरा पैसा है, मेरा पैसा जो है वो भारत तक पहुंचा दो, तो बोलेगा बिल्कुल हम पहुंचा देंगे। तो अब उसके बाद ट्रांसफर करेंगे, यूके से पैसा ट्रांसफर होता है भारत को, और यहां पे भी ऋतिक रोशन का एक एजेंट होगा, ठीक है, यहां पे भी इसका एक एजेंट होगा। आमतौर पे एक पासवर्ड दिया जाता है, पासवर्ड या नोट का जो नंबर नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर नोट का नंबर, वही पासवर्ड हो गया, वो इस एजेंट को, भारत के एजेंट को बताना पड़ता है। जैसे ही एजेंट ने पासवर्ड बता दिया, पैसा ट्रांसफर हो गया, सिंपल। बाहर का इलीगल वाला पैसा यहां पे ट्रांसफर करना, हवाला ये हो गया। तो सबसे पहले तो इनके ऊपर ये लगा है कि भाई हवाला से, हवाला ट्रांजैक्शन इन्होंने किए, जो कि कलकत्ता बेस्ड कंपनी है, ठीक है। अब भैया कि आम आदमी पार्टी ने बोला है, मनीष सिसोदिया ने, कि अरे ये बिल्कुल कुछ नहीं है और हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए सत्येंद्र जैन के ये सारे पोर्टफोलियोज हैं, ठीक है। सत्येंद्र जैन भाई बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें। अब आप देख सकते हैं कि अभी अप्रैल के लास्ट वीक में लगभग 4,81,00,000 की प्रॉपर्टी जो है वो बरामद हुई थी, फैमिली और कंपनी, जो कि ओन एंड कंट्रोल्ड बाई सत्येंद्र जैन। मनी लॉन्ड्रिंग, अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग भी आप देख लीजिए, मनी लॉन्ड्रिंग भी सेम, ब्लैक का पैसा वाइट करना। ये इसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले होता है आपका प्लेसमेंट,
जैसे आपका पैसा है, आप उसको कहां प्लेस कर रहे हो, कहां पे भेज रहे हो, आपके पास अच्छा खासा कैश है, ठीक है, आपने उसको प्लेस कर दिया, ठीक है, भेज दिया, किसी को भी दे दिया। दूसरा होता है आपका लेयरिंग। लेयरिंग मतलब होता है कि पैसा जो है वो घुमाना, लेयर करना, एक के बाद एक के ऊपर एक बहुत सारे अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, आपके पास कैश है, आपने सबको 20-25 लोगों को पकड़ा है ना और उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिया। फाइनल होता है आपका इंटीग्रेशन। अब ये हो गया, ये पैसा मान लीजिए कि जैसे से मैं ही, मेरा पैसा है, ठीक है, अब मान लीजिए मेरा पैसा है और मेरे पास जो पैसा है भाई उस पर टैक्स देना है मुझे, लेकिन वो मैंने पैसा बचा लिया है, तो मैं क्या करूंगा, वो पैसा जो है वो मैं दूसरे को दे दूंगा, ठीक है, वो मैं सऊदी में किसी आदमी को दे दूंगा, सऊदी हो गया, ईरान हो गया, अलग अलग कैश निकाल के दे दूंगा। देखिए कैश निकाल लिया तो खत्म, रिकॉर्ड टूट जाता है आपका जो रिकॉर्ड है। देखिए आपके पास 50,000 रुपए है, अब अगर 50,000 आप ऑनलाइन ट्रांसफर करें तो आपका रिकॉर्ड है, तो तुरंत आप इनकम टैक्स की नजर में आ जाओगे, क्योंकि आपने आधार कार्ड दिया हुआ है, तो आपका बैंक अकाउंट लिंक है, सरकार के पास है सब कुछ, तो तुरंत अरे बहुत पैसा आ रहा है और टैक्स दे नहीं रहा है, तो इनकम टैक्स की स्क्रूटी में है, पेनाल्टी लगा के पैसा ले लिया। लेकिन अगर मान लो कि आपने टैक्स निकाला, आपने कैश निकाला और ढेर सारा कैश आप निकालते गए, तो अब कैश जो है, कैश में कोई थोड़ी ना पूछता है भाई, कैश आपने 50 खर्चे दिखा दिए कि भाई मेरे यहां पे खर्चा है, वहां पे खर्चा है, लेकिन वो कैश क्या किया, आपने दूसरे लोगों को दे दिया, क्योंकि वो पैसा आपका ब्लैक का है ना, वो आपने दूसरे लोगों को दे दिया कि भाई तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो, रखे रहो, और उसके बाद आप बोलोगे भाई यही पैसा मुझे वापस दे देना, लेकिन डायरेक्ट मुझे वापस नहीं दे देना, मैं बढ़िया सी कंपनी बना रहा हूं, शेल कंपनी, उसमें इन्वेस्ट कर देना, दैट्स इट। तो घूम फिर के आपका पैसा, ब्लैक का पैसा व्हाइट में आपके पास आ गया। ये होता है मनी लॉन्ड्रिंग। अभी हम इसको और अच्छे से समझेंगे जब मैं अभी शेयर कंपनीज के बारे में बताऊंगा। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इससे पहले भी प्रोविजनल ऑर्डर दिए थे, ये पीएमएलए जो है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए, ये जो एक्ट है इसमें आपको 3 साल तक की सजा मिल सकती है। और वही है कि ये बड़ा, भारत में अगर बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। अगर एक्ट और बाकी सारी चीजों को आपको जानना है तो एनसीईआरटी कोर्स आपको अवेल करना है। कल जो है, कल से क्लासेस शुरू हो रही हैं। टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है हर हाल में। टेलीग्राम ग्रुप पे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्लास कहां होगी। एनसीईआरटी कूपन कोड यूज करिएगा, आज सेल का आखिरी दिन है, रात 12 बजे तक सेल चलेगी। एक और चीज, कंबाइंड एनसीईआरटी लीजिएगा, कंबाइंड एनसीईआरटी आप लें, क्योंकि जैसे जैसे एनसीईआरटी अपडेट होगी ना, वैसे वैसे कोर्स के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो अब ये जो केस इनका है, ये अगस्त 2017 में सीबीआई ने एफआईआर जो है वो दायर की थी, और डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट की आय से ज्यादा संपत्ति है इनके पास। फरवरी में केजरीवाल ने बोल दिया था कि सत्येंद्र जैन बहुत जल्द गिरफ्तार होने वाले हैं। पंजाब इलेक्शन, पंजाब असेंबली इलेक्शन से पहले उन्होंने बोला था, अभी हिमाचल प्रदेश इलेक्शन आने वाला है, तब वो बोल रहे हैं कि भाई ये गिरफ्तार होंगे क्योंकि बीजेपी जो है वो हारने वाली है। अब ये डॉक्टर ऋषि राज, जब सीबीआई ने डॉक्टर ऋषि राज जो कि रजिस्ट्रार है डेंटल काउंसलिंग दिल्ली के, जब उनके घर को रेड किया, तो सत्येंद्र जैन और उनकी कंपनी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट और बैंक डिपॉजिट और जो 2 करोड़ रुपए की स्लिप्स है, बैंक डिपॉजिट्स सामने है, जो मैंने अभी आपको बताया। पैसा आपका, आपके किसी, आपने किसी के नाम से, पैसा तो मेरे ही है ना, लेकिन मैंने किसी को दे दिया, उसने अपने नाम से जमा करवा दिया, समझ रहे हो। 2011 में ये रिवील हुआ था कि 2 करोड़ रुपए जो है वो डिपॉजिट हुए थे जैन कंपनी के नाम से, ठीक है। उसके बाद 14 बीघाज ऑफ लैंड ये भी मिले हैं इन द नेम ऑफ जैन, कहां पे, कराला विलेज ऑफ दिल्ली, अलोंग विद 12 बीघाज एंड 8 बीघाज ऑफ लैंड। तो अच्छा खासा ईडी ने, मतलब ये जो है वो किया। एलिगेशन की बात करें तो वही है कि शेल कंपनीज क्या होती हैं, अगेन अब शेल कंपनीज पे आ जाता है मनी लॉन्ड्रिंग, अब समझ गए। अब मनी लॉन्ड्रिंग वही है कि जैसे मेरे पास पैसा है, मैंने छोटे छोटे अकाउंट में सऊदी को दे दिया या स्विट्जरलैंड को दे दिया, तो अब मैंने यहां पे कंपनी बना ली, इंडिया में फर्जी कंपनी बना ली। बस देखिए कंपनी बनाना आसान है, खाली रिकॉर्ड दे दीजिए, आपके पास रिकॉर्ड है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, कंपनी बना ली, कौन देखने आता है यार, कोई देखने नहीं आता है, ठीक है। तो ये हो गया, आपने कंपनी बना ली बढ़िया से। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद सऊदी में आपका पूरा ब्लैक का पैसा है या स्विट्जरलैंड में, जैसे स्विट्जरलैंड, कुछ देश जो होते हैं ना उनके पास आय कितनी इनकम नहीं होती है, तो वो कहते हैं कि आपके पास जितना भी पैसा है फालतू का इलीगल, वो हमको दे दो। जैसे मान लो कि आपके कॉलोनी में एक ऐसा इंसान है जो बहुत फक्कड़ है ना, या बहुत लालची है, वो क्या कहेगा कि देखो
तुम्हारे पास जो फालतू पैसा ना वो मुझे दे दो, मैं उसको ठिकाने लगा दूंगा। तो यही कुछ जैसे स्विट्जरलैंड, इनफैक्ट यूके, यूनाइटेड किंगडम, क्यों सब बड़े बड़े लोग यूनाइटेड किंगडम क्यों भागते हैं? क्योंकि भाई यूनाइटेड किंगडम मेहमान की तरह तो उनको ट्रीट करता है। यूनाइटेड किंगडम ये कहता है कि भाई आप कार्रवाई नहीं कर सकते इन लोगों के ऊपर, इसीलिए विजय माल्या, नीरव मोदी सब यूनाइटेड किंगडम भागते हैं। ऐसे स्विट्जरलैंड है, मलेशिया, मॉरिशियस, पापुआ न्यू गिनी, साउथ अमेरिका में काफी कंट्रीज है, छोटे छोटे आइलैंड, इनकी कोई ज्यादा इनकम नहीं है। तो ये बोलते हैं कि आप हमको पैसा दो, और हम, क्योंकि ये टैक्स हेवेंस बोला जाता है, स्वर्ग है ये, समझ रहे हो, टैक्स ना देने के लिए स्वर्ग है ये। वहां पे कंपनी रजिस्टर होती है, शेल कंपनी जिनको बोला गया, और सारा पैसा आप उसी में डाल दो, खत्म। जैसे मान लीजिए कि आपने शेल कंपनी खोली सऊदी या स्विट्जरलैंड से, खूब सारा पैसा जो है आपके पास, देखो ये आप हो, ठीक है, ये स्विट्जरलैंड है और ये भारत में आपने शेल कंपनी खोली, अब खूब सारा पैसा जो आपके पास आपने स्विट्जरलैंड को दे दिया और स्विट्जरलैंड ने यहां पे इन्वेस्ट कर दिया इस शेल कंपनी में, बाद में बता दिया कि शेल कंपनी लॉस में चली गई, ये शेल कंपनी बंद हो गई, तो आपका ब्लैक का पैसा व्हाइट हो गया, खत्म। शेल कंपनी के थ्रू आपने जो आपका फालतू पैसा था, लीगली आपने पैसा लगा दिया अपनी ही कंपनी में और आपका पैसा आपके पास वापस आ गया, अब उस पर आपको जवाबदेही नहीं है, ये समझ गए। तो 54 शेल्फ कंपनी जो है, देखिए 16 करोड़ थ्रू 54 शेल्फ कंपनीज, आप समझ सकते हैं, ये हवाला ऑपरेटर्स थ्रू हवाला ऑपरेटर्स ऑफ कोलकाता, अब ये सब साथ में काम करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और शेल कंपनीज, ये तीनों साथ में काम करते हैं। हवाला के थ्रू पैसा आपका बाहर जाएगा, ठीक है, और मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पैसा जो है इन कंपनीज में इन्वेस्ट होगा, आपके पास आ जाएगा, समझ गए। इतने हुए हैं, उसके बाद फिर लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स जो है प्रयास, इंडो, अकिंचन, ये ओन करते हैं, यानी कि एक तरीके से इन्हीं की कंपनी है। अब मिनिस्टर बनने के बाद इनके जितने भी शेयर है वाइफ को ट्रांसफर हो गए थे 2015 में रिपोर्ट के हिसाब से, और कंपनी ने लगभग 16 करोड़ के आसपास 2010 से लेकर 2014 तक दे हैव लॉन्डर्ड, लॉन्डर मतलब वही धुलाई कर रही होता है, तो आपका पैसा भी जो धुल जाता है। तो सत्येंद्र जैन जो है इस समय मुसीबत में है, फिलहाल देखेंगे दोस्तों आगे क्या होगा। आई होप आपको हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग समझ गए होंगे आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।